आप लोगों को गाड़ी देख के लग रहा होगा कि नीट एंड क्लीन कंडीशन में है सिवाय इस बम्पर के, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बम्पर ही यहाँ पर एक प्रॉब्लम नहीं है, ये तो चलो रिप्लेस हो जाएगा। गाड़ी पर काफी सारे डेंट्स भी हैं और जो पैनल्स हैं वो ठीक से लेवल में नहीं है। ऐसी कंडीशन में गाड़ी देख के आपको लगता रहेगा कि ये क्या है, छोटे छोटे डेंट्स ही तो है, पर एक्चुअली दरवाजे को सही ढंग से शेप देने के लिए ऑलमोस्ट पूरे दरवाजे पे काम करना पड़ता है। इस गाड़ी के रनिंग बोर्ड पर भी काफी ज्यादा डैमेज था, डैमेज नीचे की साइड था तो उतना दिख नहीं रहा था। उसको निकालने का सबसे अच्छा सोल्यूशन यही है कि हमने वहां पर पतरा वेल्ड कर लिया और उसको खींच के वापस शेप में ले आए। क्वार्टर पैनल पर टेल लाइट के जस्ट बाजू में एक काफी बड़ा डेंट था जहां पर क्वार्टर पैनल अंदर पिंच हो गया था। बट ऐसे केसेस में बहुत बार होता है कि अगर आपने गाड़ी डीलरशिप में दी है तो वहां पर क्वार्टर पैनल रिप्लेसमेंट रेकमेंड किया जाता है। इसे रिप्लेस कराने के लिए फ्रेम से कट करना पड़ता है और नया पीस वापस बिठाना पड़ता है। मेरी ये सलाह आपसे रहेगी कि आप गाड़ी के दरवाजे, बोनेट, फेंडर्स भले ही चेंज करा लो, पर जब भी बात आती है गाड़ी के क्वार्टर पैनल पे तो क्वार्टर पैनल का रिप्लेसमेंट तभी कराना चाहिए जब वो एकदम डायर नेसेसिटी हो।